हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप मुझे देख रहे हैं E24 और News24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बात करेंगे आज मधु और अरविंद स्वामी की। जी हाँ, ये दोनों सितारे जो है बॉलीवुड में 1992 में आई फिल्म रोजा से पॉपुलर हुए थे। रोजा जो फिल्म थी वो जबरदस्त हिट हुई थी। फिल्म के गाने बहुत पसंद किए गए थे और इन दोनों सितारों की एक्टिंग और इनकी केमिस्ट्री को बहुत सराहा गया था। रोजा जो है इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। मणि रत्नम ने ये फिल्म बनाई थी। और अब आपको हम बता दें कि ये दोनों सितारे एक बार फिर साथ आ रहे हैं। करीब 28 साल बाद कह सकते हैं ये फिल्म आ रही है थलाइवी, जिसमें आप एक बार फिर से अरविंद स्वामी और मधु को पति पत्नी के रोल में देखेंगे। जी हाँ, थलाइवी फिल्म जो है 26 जून को आ रही है। इस फिल्म में कंगना रनौत जो है वो जयललिता का किरदार कर रही है, वहीं MGR का रोल जो है वो अरविंद स्वामी कर रहे हैं, और मधु जो है वो जानकी रामचंद्रन यानी कि MGR की पत्नी का किरदार करेंगी। तो ये दोनों सितारे सालों बाद कह सकते हैं कि बॉलीवुड की किसी फिल्म में काम करते देखेंगे। हालांकि थलाइवी फिल्म जो है साउथ में बन रही, लेकिन इस फिल्म को हिंदी में भी बनाया जा रहा है और हिंदी में भी ये फिल्म जो है रिलीज होगी। इसके डायलॉग्स जो है वो हिंदी में होगी। हम बात करेंगे मधु और अरविंद स्वामी की। और मधु जो है कह सकते हैं अब बॉलीवुड से मैं कहीं नजर नहीं आती। 1991 में वो अजय देवगन के साथ फिल्म फूल और कांटे से लॉन्च हुई थी। वो फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी। मधु की भी चर्चा हुई थी, अजय देवगन को भी बहुत कह सकते हैं उस दौरान सराहा गया था, उनके स्टंट को बहुत पसंद किया गया था। लेकिन उसके बाद से बॉलीवुड में मधु का करियर कुछ खास नहीं चला। बहुत सी फिल्में उन्होंने की थी, जल्लाद, गुंडा राज, रावण राज, सारी ऐसी फिल्में थी जिससे मधु को कोई खास फायदा नहीं हुआ। अगर उनके करियर की दो बड़ी फिल्मों की बात करें तो फूल और कांटे और रोजा, ये दो ऐसी फिल्में थी जिसके जरिए मधु को पहचान मिली थी, बहुत सारे लोगों ने उनको पसंद किया था। और हेमा मालिनी की वो भतीजी हैं तो उनकी खूबसूरती कहीं ना कहीं हेमा मालिनी से वो कनेक्टेड थी, तो उनकी जो तुलना है हेमा मालिनी से भी की जाती थी। तो मधु की कहानी हम आपको बताते हैं कि बचपन से ही वो स्टार बनना चाहती थी। जब वो 13 साल की थी तो उनकी माँ का निधन जो है कैंसर से हो गया था, लेकिन उनके मन में था कि वो भी हेमा मालिनी की तरह, अपनी बुआ हेमा मालिनी की तरह वो स्टार बनेंगी। काफी मेहनत की उन्होंने इसके लिए, और जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने ऑडिशंस देने शुरू किए। और कह सकते हैं कि उन्होंने पहली फिल्म तो फूल और कांटे साइन की थी, लेकिन उनकी जो पहली रिलीज फिल्म थी वो एक मलयालम फिल्म थी। बॉलीवुड में कुछ खास उनका करियर नहीं रहा। और साल 2002 में मधु ने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। अभी उनकी दो बेटियां हैं और सोशल मीडिया पे वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं, अभी भी बहुत फिट दिखती हैं, खूबसूरत दिखती हैं, लेकिन फिल्मों में नज़र नहीं आती। लेकिन सालों बाद जो है मधु के फैंस उनको देख सकेंगे फिल्मों में, और वो फिल्म जो होगी थलाइवी जिसमें वो नज़र आएंगी। और अरविंद स्वामी की बात करें तो अरविंद स्वामी खुद को एक्सीडेंटल एक्टर मानते, कभी भी उन्होंने नहीं सोचा था कि वो फिल्मों में काम करेंगे। उनके गुड लुक्स की वजह से उनको मॉडलिंग के ऑफर्स आने शुरू हो गए थे और पॉकेट मनी के लिए उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू किया था। लेकिन तभी मणि रत्नम की नज़र उन पर पड़ गई थी और उन्होंने फिल्म रोजा के लिए उनको साइन किया था। रोजा फिल्म जो थी वो आपको पता ही है बहुत हिट रही थी। 92 में इस फिल्म को साउथ के लोगों ने जितना सराहा था, उतने ही इस फिल्म को उत्तर भारत के लोगों ने भी प्यार दिया। फिल्म के गाने जबरदस्त हिट थे, फिल्म की कहानी बहुत पसंद की गई थी, फिल्म के जो लोकेशंस थे वो भी जबरदस्त था। तो रोजा फिल्म के जरिए जो कह सकते हैं कि क्लीन शेव्ड खान्स को कह सकते हैं मूछों वाले अरविंद स्वामी ने उस दौरान जबरदस्त टक्कर दिया था, और उनके कह सकते हैं कि उनको टक्कर दे, उनकी पॉपुलैरिटी को खतरे में डाल दिया था। इसके बाद अरविंद स्वामी जो है रोजा के बाद विदेश पढ़ने चले गए और उनको फिर वापस आना पड़ा था जब उनके पिता का निधन हुआ। फिर उसके बाद उसी दौरान मणि रत्नम से उनकी मुलाकात हुई और 1995 में अरविंद स्वामी को फिल्म बॉम्बे उन्होंने दिया। बॉम्बे फिल्म भी जबरदस्त हिट रही और इस फिल्म को पूरे इंडिया में सराहा गया था। फिल्म बनी तो थी साउथ में, लेकिन इसको हिंदी में भी डब किया गया था और इसका हिंदी वर्जन भी उतना ही हिट हुआ था। फिल्म के गाने जबरदस्त हिट हुए थे और उस फिल्म का जो टॉपिक था वो भी काफी चर्चा में रहा था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अरविंद स्वामी का करियर भी ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उनके साथ ये था कि वो बहुत ज्यादा उनका डेडिकेशन फिल्मों में नहीं था। 15 कह सकते इतने लंबे करियर में
15 साल तो वो फिल्मों से बाहर रहे, वो आईटी सेक्टर में चले गए थे। साल 2015 में उन्होंने वापसी की और फिल्म डैड में काम किया। अब वो साउथ की फिल्मों में नजर आते हैं, कई फिल्मों में वो विलेन का रोल कर रहे हैं तो कई फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया है और साउथ की कई फिल्मों में दिखेंगे। लेकिन लंबे समय बाद हिंदी के दर्शक जो है एक बार फिर से उनको एक पॉपुलर फिल्म में, थलाइवी फिल्म में देख सकेंगे। ये फिल्म जो है 26 जून को सिनेमाघरों में आ रही है।